टीवीएस राइडर को हमने सर्विस किया दोस्तों, तो देख सकते हैं कि इसके मैं सर्विस रिमाइंडर को दिखा दूं, ये सर्विस रिमाइंडर है। तो ये हटाया कैसे जाता है सर्विस के बाद, क्योंकि मैंने इसमें सर्विस किया है और इसे हटाना है। क्या करेंगे, इस बटन से हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस बटन से यहाँ लिखा ट्रिप, देख सकते हैं कि रेंज आ गया लिखा हुआ, ये एवरेज ट्रिप पे, तो ट्रिप बी पे हमें रख के देख सकते हैं, इस बटन से हमने सेट वाले मोड वाले बटन से हमने ट्रिप बी पे रख लिया। अब क्या करेंगे कि चाबी को ऑफ़ करेंगे, इस तरीके से ऑफ कर लिया गया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों बटन को हम दबाए रखेंगे दोस्तों, और चाबी को हम ऑन कर लेंगे, इग्निशन को ऑन कर दिया गया, और इसे दोनों बटन को इस तरीके से दबाए रखेंगे। ये मैं दिखा दूं, ये जब तक दबाए रखना है तब तक, जब तक सर्विस रिमाइंडर चला ना जाए। इसी तरीके से दबाए रखना है ये सर्विस रिमाइंडर का, जब तक आइकन जाए नहीं। मैंने दोनों बटन को एक ही हाथ से दबा के रखा है, और देख सकते हैं कि ये सर्विस रिमाइंडर चला गया दोस्तों। धूप है वो इसलिए प्रॉपर देख नहीं पा रहा, मैं दूर से दिखा दूं, ये चला गया। अब इसके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर ऑफ़ करेंगे, फिर ऑन करके चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कि सर्विस रिमाइंडर का आइकन चला गया। इसी तरीके से आप करके सर्विस रिमाइंडर को रिमूव कर सकते हैं टीवीएस राइडर में। तो मैंने, मेरे पास जो जानकारी थी हमने दिया दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो कर लें अगर फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं और इंस्टा पे देख रहे हैं तो, और हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो में बनाता रहूँ और दिखाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।